दौड़ा अच्छा दौड़ा दौड़ के दिखाए और आज नहीं लगा अर्जी लगी है बाबा। अच्छा कहाँ रहने वाले हैं आप? पंजाब के। पंजाब से आपको क्या दिक्कत हो गई? हमारा शरीर बंधा हुआ था सारे। सारा शरीर बंधा हुआ था। शरीर बंधा हुआ था। हाँ, चलता नहीं था, अब चलने लग गया। चलने लग गया? हाँ हाँ। हम हमारी बीवी दोनों लोग बिल्कुल पागल हो गए थे। अच्छा आप पागल हो गए? हाँ हम हमारी बीवी। उनका मतलब कई रूप से कई लोग दिखाते हैं रात में। कितने दिन दिक्कत थी आपको? हमको अभी 5-7 दिन हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीपी टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवमोस्ती। दरअसल आपको बता दें कि आज हम मौजूद हैं रायबरेली जिले के एक ऐसे सुप्रसिद्ध मंदिर पर जहां का दावा है कि यहां पर जो लोगों को चक्कर जैसे या अन्य प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, लागबीक जैसे जिन्होंने देसी भाषा में कहते हैं, उन बीमारियों का इलाज यहाँ पर जो भी इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है वो यहाँ पर अगर पहुँचता है इस मंदिर पर तो यहाँ वो ठीक हो जाता है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है। तेज धूप है। हम आपको ये भी बता दें कि कल यहाँ बृहस्पतिवार था, कल यहाँ पर भव्य मेला लगता है और मेले के दिन बताते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। दरअसल कल हम पहुँच नहीं पाए इसलिए आज हमको आना पड़ा। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री छत्रपाल भूहारे बाबा का मंदिर। ये पड़ता है बरियारपुर रायबली के बीच में। यहीं से इधर रायबली है और इधर सीधे आप चले जाइए तो यहाँ से थोड़ी देर से बाराबंकी का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो हम आपको तस्वीरें मंदिर की दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये मंदिर है, ये मंदिर का प्रांगण है। हम अभी तो बाहर हैं लेकिन आपको अंदर लेकर चलेंगे और तस्वीर दिखाएंगे कि आखिरकार यहाँ के इन बातों में कितनी सच्चाई हो, कितने यहाँ के जो दावे लोग करते हैं कितना सत्य है। हम सीधे आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाएंगे यहाँ पर बहुत से लोग बैठे भी नजर आ रहे हैं और काफ़ी लोग इनसे पूछेंगे कि आखिर ये क्या करने यहाँ पर आए हैं। कैमरामैन कहेंगे थोड़ा आगे चलें और हम सीधे जो है मंदिर की तस्वीर को दिखाते हैं। दरअसल आपको बता दें यहाँ का दावा ये भी है कि यहाँ दिल्ली बनारस काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और जिनको इस तरह की दिक्कतें होती हैं वो यहाँ पर अपने इलाज कराने पर जिनों आते हैं। नाम है आपका? सुरेश कुमार यादव। सुरेश कुमार यादव जी, ये मंदिर के बारे में बताया गया कि जो लाख बीक के लोग आते हैं देसी भाषा में वो यहाँ ठीक होते, कितनी सच्चाई है इन बातों में? लाख शख्स के लोग जो भी हैं प्रेत यौनिक से। अच्छा, वो हाँ वो सारे लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं जी। कितने लोग आते हैं लगभग बृहस्पतिवार को? यहाँ भी मेला लगता है। बृहस्पतिवार को 4-5 हज़ार आदमी आ जाता है। तो आपने कितने लोगों को सही होते हुए देखा? हमने देखा है कम से कम हजारों लोगों को। हजारों लोगों को। ऐसा कुछ तो नहीं है कि कोई मतलब यहाँ पर दर्शन करने के बाद या फिर कोई बहानाबाजी करके आता हो? नहीं, बहानाबाजी करके तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ। हाँ ना, यहाँ जो कोई आता है शैतानी हरकत वाले आदमी आते हैं। अच्छा, आप इनसे भी पूछ जी। बाबा ही करते हैं। अच्छा, बाबा करते हैं। हाँ, बाबा सब करते हैं, जो भी करते हैं सब बाबा करते हैं, कोई तांत्रिक। कितने दिनों में ठीक हो जाते हैं लोग? इसमें पैरा भी करते रहो सर, मालिक की दुआ है। आप कहाँ से हैं? सलेथू सर। आप यहाँ दर्शन करने हैं? जी सर। आपको क्या दिक्कत थी? घरवाली हमारी परेशान होती थी रात में। हाँ, अब तो यहाँ आई बोले जब से ठीक है, अब आराम है जी, अभी आराम है। ये है आपकी घरवाली? चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि दिक्कत क्या थी। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सोनी। क्या दिक्कत होती थी आपको? हमको बहुत परेशानी थी। अच्छा, क्या दिक्कत हो जाती थी? परेशानी में क्या हो जाता था? अरे हमका मतलब कई रूप से कई लोग दिखाते हैं रात में। कितने दिन से दिक्कत थी आपको? हमको हो गई 5-7 दिन हो गए। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पर आपने आना शुरू किया है? आज से। आज से? तो आज से आपकी स्टार्टिंग, मतलब आप पहली बार आ जाए हैं जी। पहली बार आ जा पाए हैं जी। तो कितनी देर भाई आपको यहाँ है? काफी 10 बजे। तो कुछ आपको रिलीफ मिला क्या यहाँ पर? आराम है। क्या होता है यहाँ पर आने पर? सबसे पहले क्या करते हैं, क्या किया जाता है यहाँ पर? अगरबत्ती धूप जलाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है अगरबत्ती। अच्छा, क्या करते हैं? हाथ जोड़ा जाता है, माता जी से विनती की जाती है हमारे मालिक को सही किया जाए हमारे आदमी को। अच्छा, ये ठीक होते हैं। चलिए हम बात करेंगे दादा, आपका नाम क्या है? रामचरण यादव। कहाँ के रहने वाले आप? हैदरगढ़ बार गाँव बड़ारा। अच्छा, बड़ारा हैदरगढ़ के? बारह के। तो यहाँ इलाज कराने हैं क्या? जी हाँ, 6 महीने से आते हैं। 6 महीने से आते? किसका इलाज? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। फायदा मिला? जी हाँ। कितने लोग ठीक किया आपने? कितने लोग? हमारी एक मिसिज है, उनको ठीक किया। ठीक हो गए हैं? हाँ ठीक हैं। क्या दिक्कत थी उनको? उनको दिक्कत थी बहुत, कभी पेट दर्द होता था, कभी पेट दर्द होते, कभी लेटरिन 100 बार जाती थी। हाँ। दिन रात में पता लगता था कि वो 100-100 बार लेटरिन जा रही हैं, रातों दिन चलती रहती थी, कोई काम सुनने नहीं हमें था हाथ। कितने दिनों में यहाँ आपको आपको फायदा मिला? 3 साल के बाद में जो है धीरे धीरे आराम होता ही मिलता। 3 साल लग गए। हाँ।
आपने कहीं इलाज नहीं कराया? इलाज नहीं कराया था क्या कहीं? इलाज बहुत कराया, हाँ, लखनऊ गए, लोहिया गए, सिविल गए, मेडिकल गए, हर जगह पे गए, इलाज कराए, थोड़ा पैसा नहीं लगाया, लाख डेढ़ लाख रुपया ऐसे ही पी गए पानी में, कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ रही नहीं गया। उसके बाद अब बाबा की शरण में, तब बाबा की शरण में मैं आया। 3 साल से आराम है आपको? आप 3 साल से जो है। अब ये बताइए कि बृहस्पतिवार को कितने लोग, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? भैया कोई गिनती नहीं होती कहाँ कहाँ से आते हैं, कोई गिनती नहीं होती यहाँ तो, आदमी बहुत दूर तक आदमी आता है। तो ये यहाँ पर, ये जो लोग यहाँ पर मतलब रखे, तो ये इनके लिए व्यवस्था सब निशुल्क है? हाँ निशुल्क है। ये कहाँ के लोग हैं? ये हर जगह के हैं भैया यहाँ पे। अच्छा, हाँ। अब ये तस्वीर है, ये मंदिर है बाबा का, ये बाबा का मंदिर है और लोगों का दावा है कि यहाँ पर लोग आते हैं श्रद्धा भाव से, जो भूत प्रेत के जिनको लगे रहने की संभावनाएं होती हैं ऐसा यहाँ के लोग कहना है, वो आते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करते, प्रसाद चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते, उसके बाद उनकी वो समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। ग्राम खरगापुर पोस्ट आदमपुर जनूबी जिला लखनऊ के रहने वाले हैं। हम यहाँ 9 साल से आते हैं, 2011 से। किसको दिखाने आते हैं? आते हैं यहाँ हमारी बीवी दोनों लोग बिल्कुल पागल हो गए थे। अच्छा, आप पागल हो गए थे? हाँ, हम हमारी बीवी की बात, यहाँ है बाबा से मन्नत मांगी, यहाँ है माथा टेके, अपना उनकी महिमा से हम लोग ठीक हो गए। ठीक हो गए? हाँ, पापा की इलाज करीब में 80-90 हज़ार रुपए लगाए, हर जांचे करवाए, सब कुछ करवाए, हार्ट में दिक्कत है, इनको दवा कुछ फायदा नहीं कर रहा है, नहीं निकला है, फायदा नहीं कर रहा है, हार्ट में दिक्कत है। हाँ। आते हैं लोग, प्रश्न अगरबत्ती लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, वो प्रसाद चढ़ाते हैं, बस ऑटोमेटिक जो कुछ अंदर तो साया होती है तो अपने आप वो खेलने लगती है, उसके बाद में अपना जो बाबा अपना करते हैं वही होता है। अच्छा, वही करते हैं। हाँ, चलिए, तो ये मतलब आप ठीक हो गए? हाँ, ठीक हो गए। हाँ, आप ठीक हो गए, देखिए। हाँ। खुद कह रहे हैं कि हम खुद डिस्टर्ब थे, ये ठीक हो गए, आप इनके सामने सबूत है, आप देख लीजिए। दादाजी, क्या नाम है आपका? हाकम सिंह। कहाँ रहने वाले हैं आप? पंजाब के। पंजाब से। आपको क्या दिक्कत हो गई? हमारा शरीर बांधा हुआ था सारे, सारा शरीर बांधा हुआ था, शरीर बांधा हुआ था, चलता नहीं था, अब चलने लग गया। चलने लग गया? हाँ। क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत बहुत थी। हाँ। खड़े नहीं हो पाता था मैं। कितने दिनों से आप यहाँ हैं? 1 साल से। 1 साल पंजाब नहीं गए? ना। कब जाएंगे? कब, कोई पता नहीं कब जाएंगे। हाँ, नहीं अब तो ठीक हो गए ना आप? नहीं, पंजाब जाएंगे, इधर गाड़ी चलाता ना मैं, इधर हरिद्वार में। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं? हाँ, हरिद्वार में। हम 3 साल दवाई करौनी, 25,000 का। हाँ। तबो ना निक भई नी, आ गिरत गई नी। हाँ। खून पानी हो गया। क्या दिक्कत हुई थी अम्मा आपको? पूरे दिन कौन बताए, बहुत दिक्कत भइल कोई मेर का। हाँ। कुल बत्थे पीरा। हाँ। तो 3 साल में 25,000 के दवाई करो नी हम, और गिरते गई नी। हाँ। तो स्थान नहीं जननी। हाँ। 3 साल बाद स्थान पर आई नी। कैसे जानी आप स्थान? अरे गांव के जब कुल आवत रहे तो अब कुल पहले ना ही बतौली, बाद में जननी। अच्छा, बाद में। पहले गई नहीं दूसरे स्थान पर, 5 महीना रहनी। जी, अच्छा, खड़ी होके दिखाओ। अरे महाराज, हम दौड़ा तो दौड़ा। अच्छा, दौड़ा, दौड़ के दिखाए। महाराज जी लगा, अर्जी लगी है बाबा। अच्छा, होता है। और ये अम्मा बता रही थी कि ये देवरिया की रहने वाली हैं, इनको दिक्कत थी, पैर में दिक्कत थी, लेकिन अब इनकी दिक्कत अब सही हो गई है। सरदार जी, पंजाब छोड़कर यहाँ पड़े, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ पर जिनके भूत प्रेत की समस्याएं होती है, जो लाखबीक की समस्या, जिनको देसी भाषा में कहते हैं, वो लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। तो हमने आपको ये इस मंदिर की रहस्य की पूरी कहानी बताई और ये मंदिर स्थित, ये देख लीजिए, सकते कि यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पर गए हैं। सरदार जी को हमने दिखा, तो जो यहाँ के लोगों को दावा जैसा हमने सुना था, कहीं ना कहीं मुझे वैसा ही यहाँ पर नजर आया।